हेलो दोस्तों, मेरा यूट्यूब चैनल में आप लोग का फिर से स्वागत है। और मेरा नाम है रहमुद्दीन अंसारी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सदर अंसारी। तो दोस्तों, एक लड़के का कमेंट आया था कि भैया हम अपना 10+2 कर लिए हैं लेकिन हमने PCM नहीं लिया, यानी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ नहीं लिया है। और हम बहुत लड़के ये भी बोल रहे थे कि हमारा PCM नहीं है और हमने साइंस लिया ही नहीं है, तो क्या हम मर्चेंट नेवी ज्वाइन कर सकते हैं कि नहीं। तो मैंने सोचा कि इस टॉपिक पर वीडियो बनाना ज़रूरी है, क्योंकि हमने आपसे प्रॉमिस किया है कि आप कमेंट करोगे उसी के अकॉर्डिंग हम वीडियो डालेंगे। तो इस वीडियो में हम लोग प्रॉपर यही जानेंगे कि अगर आपने PCM यानी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स नहीं लिया है या आप साइंस स्ट्रीम से नहीं है, तो क्या आप मर्चेंट नेवी ज्वाइन कर सकते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप लोग से रिक्वेस्ट है कि यदि मेरा वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं या मेरा यूट्यूब चैनल पर पहली बार है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और शेयर करना तो बिल्कुल ही ना भूलें, क्योंकि मैं मर्चेंट नेवी से रिलेटेड वीडियो हमेशा इस यूट्यूब चैनल पर लाते रहता हूं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। सबसे पहले, अगर आप मर्चेंट नेवी ज्वाइन करना चाहते हैं तो मर्चेंट नेवी ज्वाइन करने का प्रोसीजर बहुत ही आसान है। अगर आप DNS कोर्स करना चाहते हैं या BSc नॉटिकल साइंस कोर्स करना चाहते हैं या BTech इन मेरीन इंजीनियरिंग करना चाहते हैं या ETO कोर्स करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपका 10+2 में साइंस स्ट्रीम और PCM होना ज़रूरी है, यानी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स का होना ज़रूरी है, तभी आप ये कोर्सेज कर सकते हो। अदरवाइज अगर मान लीजिए कि आपने 10+2 कर लिया और आपने साइंस नहीं लिया है या साइंस लिया है लेकिन आप बायो से हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से नहीं है, तो आप 10th बेसिस पर 10+2 हटाइए, आप 10th बेसिस पर भी मर्चेंट नेवी में एंट्री कर सकते हैं। उसके लिए आपको GP रेटिंग का कोर्स करना पड़ेगा, जिसको बोलते हैं जनरल पर्पस रेटिंग। यह आपका 6 मंथ का कोर्स है, ये कोर्स करके भी आप आसानी तरीके से मर्चेंट नेवी में आ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। तो बहुत लड़के ये सोचते हैं कि भैया हम साइंस स्ट्रीम से नहीं है तो क्या मर्चेंट नेवी ज्वाइन कर सकते हैं कि नहीं, तो बिल्कुल कर सकते हैं। आप अपने 10th बेसिस पर, अगर आपने 10th पास किया है और ओवरऑल आपका 40% है और इंग्लिश में भी आपका 40% है, तब आप GP रेटिंग कोर्स कर सकते हैं। कोई भी DG अप्रूव कॉलेज से GP रेटिंग कोर्स कीजिए और GP रेटिंग कोर्स करने के बाद आप कंपनी में विजिट कीजिए प्लेसमेंट के लिए या जॉब के लिए। लेकिन मैं आपको सही तरीका ये बता देना चाहता हूँ कि अगर आप GP रेटिंग कोर्स 10th बेस पर करना चाहते हैं तो ये 3 कॉलेज में आपको अपनी तरफ से रिकमेंड करूंगा। आप TS रहमान से कीजिए, नूसी मैरीटाइम एकेडमी गोवा से कीजिए या उड़ीसा मैरीटाइम एकेडमी उड़ीसा से कीजिए। ये 3 कॉलेज थोड़ा बेस्ट कैटेगरी में आते हैं, तो यहाँ से अगर आप कोर्स करते हैं तो कुछ हद तक प्लेसमेंट की चांस होती है। अब ये मैं नहीं बोलता हूँ कि 100% प्लेसमेंट है, मैंने कुछ हद तक आपको चांस है कि प्लेसमेंट मिल जाए। अदरवाइज दूसरा भी कॉलेज से आप कर सकते हैं, लेकिन प्लेसमेंट का क्या है, सिचुएशन क्या है, आपको कॉलेज से ही कॉन्टेक्ट करके पता करनी पड़ेगी। तो अगर आप GP रेटिंग कोर्स करने की सोच कर रहे हैं तो ये 3 कॉलेज आपके लिए बेस्ट हैं। मान लीजिए कि अगर आप ITI किए हुए हैं इलेक्ट्रीशियन या फीटर ट्रेड से 2 साल का, तो आपको GP रेटिंग कोर्स करना है तो आप द ग्रेट ईस्टर्न मैरीटाइम इंस्टीट्यूट से कर सकते हैं या 7 आइलैंड इंस्टीट्यूट से कर सकते हैं। अगर आपके पास ITI है तो 7 आइलैंड में और द ग्रेट ईस्टर्न इंस्टीट्यूट ऑफ मैरीटाइम स्टडी से करते हैं, तो वहां पर आपको 100% जॉब की प्लेसमेंट गारंटी मिलती है। तो अगर आपके पास ITI है तो ये 2 कॉलेज में जाइए, आपको 100% जॉब मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन उसमें एडमिशन लेने के लिए आपके पास ITI का होना ज़रूरी है। तो यही एक छोटी सी वीडियो है, वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर वीडियो में कोई मिस्टेक हुआ हो तो कमेंट करें ताकि मैं इसे सुधारूं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।